तो गाइस हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूले, चैनल यूं ही ग्रो होता रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 90% लोगों को ये नहीं पता है कि पानी पीने से सही टाइमिंग क्या है, गलत टाइमिंग क्या है, नुकसान क्या है, ज़्यादा पानी पीने से क्या नुकसान होगा, कम पानी पीने से क्या नुकसान होगा। वीडियो को एंड तक देखें गाइस, आपको पता चलेगा कि हर कोई इंसान एक ना एक गलती ज़रूर कर रहा है, और वो गलती बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो एंड तक देखें वीडियो को। जल ही जीवन है, सबको पता है पानी पीना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फूड एब्जॉर्प्शन से। जो भी आप खाना खाते हो उससे आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्ब और फैट। उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो उनका न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जब भी वो ठीक से एब्जॉर्ब होगा। बट लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि खाना खाने के कितने देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने से कितनी देर पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद जब भी पानी पी रहे हो, जो कि लोगों को बहुत पसंद है, उनको लगता है कि खाना खाने के बाद पानी पीने से जो उनका खाना है वो जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा, मगर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप खाना खाते हो आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, जो आपका एब्जॉर्प्शन लेवल है वो फास्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के फास्ट होने से आपका इम्यून सिस्टम डाइजेशन अच्छा कर देता है, जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। मगर आप खाना खाने के बाद पानी पी रहे हो तो आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा, आपका जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, जो आप प्रोटीन, कार्ब और फैट लिए हैं, जो भी आपने खाना खाया है, दाल, रोटी, चावल, जो भी खाया है, उनका न्यूट्रिएंट है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि ब्लोटिंग की, उनका पेट भारी लगता है, उनको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो गलत टाइम पे पानी पी रहे हैं। सबसे बड़ी गलती गाइस ये है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए पानी पीने की खाना खाने के बाद, वो है 1 घंटा बाद। खाना खाने के 1 घंटा बाद ही आप पानी पिए, ताकि जो आपका अब्जॉर्प्शन है वो अच्छा हो जाए, डाइजेशन अच्छा हो जाए। खाना खाने के 1/2 घंटा पहले आप पानी पिए, इससे पहले मत पिए, क्योंकि आपका डाइजेशन में दिक्कत आएगी, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, खाना ठीक से पच नहीं पाएगा, ब्लोटिंग की दिक्कत आएगी, आपके जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, इवन फिल्टर भी नहीं कर पाएगी बॉडी। तो ये टाइमिंग हमेशा ध्यान रखें, और ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं गर्मियों में ठंडा पीने की आदत है, ठंडा पानी पीने की आदत है। भाग के आते हैं बाहर से, थक के आते हैं, कहीं से भी आते हैं, उनको ठंडा पानी पीना है। सबसे बड़ी दिक्कत होगी, पहली दो दिक्कतें होने वाली है। पहली होगी आपका गला ख़राब हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता है, सबकी मम्मी बोलती होगी भाई पानी मत पियो, ठंडा गला ख़राब हो जाएगा। अब जो दूसरी गलती दिक्कत होने वाली है वो क्या होने वाली है, आपकी जो ये वेंस है, ये जो वेंस आती है यहाँ पे, इनसे न्यूट्रिएंट पास होते हैं, और पानी पीने से ये श्रिंक हो जाते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन रेट बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ठंडा पानी मत पिए कभी भी, नॉर्मल वाटर पिए या वार्म वाटर पिए, डिपेंड है क्लाइमेट पे। अगर आप ठंड में हो तो वार्म वाटर पिए, अगर आप नॉर्मल गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा, हो सके तो नॉर्मल ठंडा सा पिए, यानी कि बिल्कुल चिल्ड। मेरे को भी आदत थी यार, मेरे को बिल्कुल ठंडा पानी पीने की। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं बेस्ट टाइमिंग क्या हो सकती है। गैस पूरे दिन में आप कभी पानी पी सकते हो, बस मैंने जो टाइमिंग बताई खाना खाने वाली 1 घंटा बाद और 1 घंटे, और खाना खाने वाले तो 1 घंटे पहले पानी पिए, वो कभी भी गलती ना करें, और पूरे दिन में आप कभी पानी पी सकते हो। और आप बात करते हैं सुबह उठने के बाद जब आप पानी पीते हो ब्रश करने से सबसे पहले, वो है आपके लिए बेस्ट टाइमिंग आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। गाइस अब बात करते हैं आप लोगों को कितना पानी पीना चाहिए, ये डिपेंड है इंडिविजुअल के हिसाब से। लाइक मैं एथलीट हूँ, मेरे को पानी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को पानी की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दिन में एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, मैं वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं कम पानी पीऊँगा तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो उसमें मेरा येलो आएगा, तो डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी। इसलिए जो मेरी बॉडी को जो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको, आप दिन में 3 से 5, 4-5 लीटर मैं पी लेता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को चाहिए उतना। अब एक नॉर्मल इंसान को मिनिमम टू मिनिमम 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर। पर अपने हिसाब से देखें गाइस कि आपको 3 लीटर पे आप रुक जाओ। अगर आपकी बॉडी की डिमांड है तो आपको पानी चाहिए तो पियो, और ज़्यादा पियो, लेकिन कम मत पियो, क्योंकि आपको डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, चक्कर आ गिर जाओगे, येलो टिश्यू आएगा, पेन आएगा आपको जॉइंट्स में। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बोलते होंगे मैं बिल्कुल हेल्दी खाता हूँ, ना मेरा फैट लॉस हो रहा है, ना मेरा वेट गेन है, क्योंकि आप टाइमिंग गलत रख रहे हो वाटर की। कितने लोग बोल रहे हो पानी पीना अच्छा होता है, पानी पीना ये वो, तो आप कितना भी पिए जा रहे हो, लेकिन आप मिनिमम रेंज रखें कि आप कितना पानी पीते हो। तो गाइस ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कब पीना चाहिए, बेस्ट टाइमिंग क्या होती है। आप लोगों के लिए गाइस ये वीडियो थी, वीडियो को लाइक करें गाइस, ये थी आज की वीडियो। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, ब्लैक कलर का बटन है उसे दबा दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।